हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सऊदी में एक नया कानून जो है लागू हो गया है। बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। जिन लोगों को नहीं मालूम है, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे नेपाल के, चाहे मसर के, यहाँ पे सऊदी में रेस्टोरेंट चाहे होटल ओपन कर रखे हैं, उनका होटल है चाहे रेस्टोरेंट है, तो उनके लिए दोस्तों बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए है, अभी दोस्तों होटल में जितने भी काम करने वाले चाहे रेस्टोरेंट में, मुशक्कल आदमी रखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मिक्स, एक आदमी इंडिया का, एक आदमी पाकिस्तान का, एक आदमी बांग्लादेश का, एक नेपाल का, एक मसर, एक सऊदी, इस तरीके से होटल में अभी रखना पड़ेगा आदमी काम करने वाला। क्योंकि दोस्तों ये जो है हुकूमत का जो है तरफ से कहा गया है, जो ऐसा नहीं करेगा, यहाँ की जो नगर पालिका है, यहाँ की जो बलदिया बोलते हैं सऊदी का, वो होटल पे चाहे रेस्टोरेंट पे जो है गरामा आएगा। इस तरीके से नहीं आदमी रखते थे। पहले क्या होता था कि अगर इंडिया का आदमी का होटल है सऊदी में, तो ज्यादातर इंडिया के आदमी अंदर काम करते थे होटल के अंदर। चाहे बांग्लादेश का आदमी का होटल है सऊदी में, तो बंगाली आदमी ज्यादा जो है रेस्टोरेंट में चाहे होटल में काम करते हैं। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, मुशक्कल जो दोस्तों रखना पड़ेगा, तो इसलिए किया जा रहा है। मेरे ख्याल से अच्छा भी है, क्योंकि दोस्तों सभी को जो है ना रोजगार मिलना चाहिए, एक आदमी को नहीं। अभी इंडिया का आदमी का होटल है चाहे कोई भी चीज है, तो इंडिया का आदमी पूरा आके अंदर काम करेंगे, तो बाहर दूसरे कंट्री के लोगों को भी तो काम मिलना चाहिए ना। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, इसीलिए कानून को लागू किया है।